तो अपना यहाँ पे लग चुका है मटन और लिट्टी। तो चलिए दोस्तों, मटन और बाटी का जो स्वाद है ना, वो एक अलग लेवल का आता है। दोस्तों मटन बहुत ही मस्त बना है, एकदम गल गया है मटन, और बाटी के साथ तो खाने में और मजा आ रहा है। स्वागत करते हैं आप सबका एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, हम आए सिवान बिहार। हमारा गाड़ी लोडिंग हुआ था अंबिकापुर से, गाड़ी भी फटाफट खाली हो चुका है, तो गाड़ी लगा यहाँ साइड में अपना। दोस्तों भैया का ही माल लेके आए थे, और भैया का जब माल लेके आए थे ना, तो तुरंत इनका माल भी यहाँ खाली हो चुका है। कैसे भैया? बढ़िया, ठीक है। आपका माल हम लेके वहाँ से निकले थे 6:30 बजे, और यहाँ 5 बजे पहुँच गए। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, टाइमिंग सही था ना? टाइमिंग सही है, माल भी मेरा भी किया, आधा घंटा के अंदर माल भी किया, और भाड़ा भी अपना मिल चुका है। और बता दे, जो मेरा भाड़ा लगा था दोस्तों, वो अंबिकापुर से सिवान का बिहार का 15,000 लगा था, और 9 घंटे के अंदर पहुँच चुके हैं। दूरी का बात करें, 550 किलोमीटर का दूरी था। गाड़ी मेरा थोड़ा सा कंजेस्टेड में खड़ा है, क्योंकि सिवान मंडी पूरा देख सकते हैं मेन रोड पे ही है, तो यहाँ पे गाड़ी लगाने का थोड़ा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, गाड़ी इधर अंदर घुसा के लगा दिए थे, माल पूरा बिक गया। ये थोड़ा सा माल चाटो बचा हुआ है, उतर गया है, किसी का होगा ये लेके चला जाएगा अपना। तो हम गाड़ी को बैक कर लेते हैं। हुसैन पूरा जब गाड़ी बैक करेंगे ना, तो पूरा रुकवा देना, ठीक है? चलिए पहले गाड़ी बैक कर लेते हैं। जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ 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 आओ। तो गाड़ी बैक करने के बाद निकल चुके हम लोग सफर पे अपना। ये है मंडी सिवान का, पूरा रोड पे लगा है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो रोड आप लोग देख रहे हैं, ये रोड है मैरवा और सिवान वाला रोड। अच्छा, पहले इतना अच्छा नहीं था, अभी बहुत अच्छा हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल रोड दोस्तों, अच्छा होना भी चाहिए। अगर सिंगल रोड भी अगर खराब रहे, तो गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत होने लगता है। रोड अच्छा होने से क्या होता है कि नेट पे जो टाइम दिखाता है, मान लीजिए मैरवा से सिवान डाले 30 किलोमीटर है, तो दिखाएगा अगर 20 मिनट का रास्ता, तो आप 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा होता है टाइमिंग, तो रोड सही रहेगा तभी आप पहुंच पाओगे। अभी हम लोग मैरवा बिहार में हैं, तो ये जो ओवरब्रिज आप लोग देख रहे हैं, इसी ओवरब्रिज के ऊपर 2 साल पहले एक भयंकर वाला दुर्घटना मेरे साथ हो गया था। मेरा गाड़ी वहाँ पर लड़ गया था, और लड़ा कैसे था, यहाँ पर जो ये रोड बनाया गया है, ये पूरा क्या है कि पूरा पीच का है, मतलब एकदम ज़बरदस्त अलकतरा इसमें डाला गया है। और अलकतरा डालने की वजह से हमने ब्रेक मारा, ब्रेक मारते ही मेरा जो है गाड़ी फिसल के जाके डिवाइडर पे लड़ गया। वो तो शुक्र है कि डिवाइडर है, डिवाइडर अगर नहीं होता तो मेरा गाड़ी सीधा नीचे होता। और दुर्घटना हुआ कहाँ था? दुर्घटना यहीं पे हुआ था। देखिए ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, यहीं पे हुआ था। इधर इधर से हम आ रहे थे, और यहाँ ब्रेक मारे, ब्रेक यहाँ पे मारे, चक्का फिसल के आके डिवाइडर पे लड़ गया। बहुत खतरनाक दुर्घटना था, पूरा बिम मेरे गाड़ी का टेढ़ा हो चुका था। फिर हम यहाँ से गाड़ी खिंचवा के लेके गए, मैरवा बाजार आगे पड़ता है, वहाँ पे कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत गाड़ी को बनवाए, फिर बनारस लेके गए, बनारस में पूरा गाड़ी काम करवाए। जब ये दुर्घटना मेरे साथ हुआ था, सोचिए उस रात को पोषण भी मेरे साथ नहीं था, और ये 2 साल पहले की बात है, उस समय मेरे साथ कोई भी नहीं रहता था, मतलब हम अकेले गाड़ी चलाते थे। और कौशम्बी से हम करेला लोड किए थे, कौशम्बी पड़ता है प्रयागराज से भी आगे, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो रात में दुर्घटना हुआ, सोचिए मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा, अकेले गाड़ी चलाना भी एक मतलब टफ है। तो उसके बाद 1 साल बाद तो पोषण मेरे साथ आ ही गया। तो बहुत सारा चीज़ें होता है कच्चा माल में, इसलिए बोलते हैं कि 2 लोग गाड़ी चलाइए। और मेरा पार्टी इतना अच्छा था कि दूसरा गाड़ी बेच के माल पलटी भी करवा दिया, भाड़ा भी 1 रुपया काटा नहीं, और गाड़ी टोचन करवा के यहाँ मैरवा मंडी में बुलवाया। फिर मिस्त्री से थोड़ा बहुत बनवाया, उसका पैसा हमको देना पड़ा। फिर हल्का फुल्का बनवाने के बाद फिर हम बनारस निकल गए। तो अभी हम लोग बिहार से बाहर निकल रहे हैं, और जब आप बिहार से बाहर निकलेंगे, तो आप लोगों को कुछ ऐसा यहाँ पे ब्रिज देखने को मिलेगा। और ये गंगा जी है कि नहर है, पता नहीं चल पाता हमको, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये ब्रिज जैसे ही आप पार करेंगे, तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो पोषण यहाँ पे सो गया है, क्योंकि इसको नींद आ रहा है बहुत खतरनाक वाला। और हम लोग अभी बेलथरा रोड पहुँचने वाले हैं, उसके पहले एक यहाँ ब्रिज पड़ता है, इस ब्रिज के ऊपर से ट्रक पूरा बंद है। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ब्रिज है दोस्तों, और पता नहीं ट्रक क्यों बंद कर दिया है, पहले ट्रक इसमें चलता था, अभी बंद है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं फारसाटार बेलथरा रोड, और गाड़ी को इधर साइड में लगा दिया है। ये हमारे मित्र का घर है, यहीं पे हम लोग रुकेंगे अभी कुछ देर, उसके बाद फिर सफ़र कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा सा यहाँ पर प्रोग्राम है, प्रोग्राम कंटिन्यू करना है, मतलब कुछ बनेगा, हम लोग खाएंगे पियेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। पियेंगे मतलब पानी पियेंगे, और कुछ मत आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं नहाने के लिए, पहले ऊपर नहाने का पूरा व्यवस्था है, कपड़ा लेते हैं, चलते हैं पहले नहाते धोते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा रात भर कंटिन्यू आए, थोड़ा सोच रहे कि थोड़ा सा आराम कर लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे बनारस, क्योंकि पोषण को तो ज़बरदस्त वाला नींद आ रहा है। कितना
बहुत भयानक वाला। थोड़ा सा आराम कर लेगा सही हो जाएगा ना, एक घंटा रेस्ट कर लेंगे उसके बाद माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि दोपहर के खाने का ही प्रोग्राम यहीं पे है, तो यहीं पे खाना पीना खा के फिर आराम से मुख निकलेंगे। दोस्तों आ चुके हैं अपने भाई के पास, ये है समीर। कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो जब भी जाते हैं इधर से या गुजरते हैं या आते हैं, इसको कॉल कर देते हैं और इसके दुकान पर रुक के ही जाते हैं। बगल में घर है ये, मतलब ऑफिस है, कार बाजार, उठने बैठने के लिए। और हाँ, इसका एक कार का बिजनेस भी है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। किसी को और पुराना गाड़ी खरीदना हो ना तो इससे संपर्क कर सकते हैं, इसके पास काफ़ी सारा गाड़ी है, अभी दिखाएंगे। पहले चलिए नहा लेते हैं, ठीक है भाई? नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। तो दोस्तों छत पे आने के बाद पूरा नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, पोषण पकड़ा है कैमरा, पोषण भी जाएगा नहाने के लिए। तो चलिए फटाफट कपड़ा चेंज कर लेते हैं, जाओ पोषण तुम भी नहा धो के आओ, ठीक है? दोस्तों फाइनली कपड़ा चेंज करके एकदम पूरा फ्रेश हो चुके हैं और आज ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं मटन, ठीक है? ये लोग का कहना है बहुत दिन बाद आए हो तुम, तो तुम्हारे लिए स्पेशल मटन बनाएंगे। और मटन हम नहीं बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं हमारे सोनू भाई। इधर सोनू भाई अभी हाथ धो रहे हैं और ये चीज़ हमको बताए नहीं थे पहले, अभी आए हैं तो ये लोग अचानक से मटन लेके आ गया और मटन चढ़ा भी चुके हैं बनने के लिए। हम नहा के जब बाहर निकले, हम बोले यार मटन बन रहा है यहाँ पे, फिर देखे बोला भाई आपको बिना बताए लेके आए हैं, ये मेरे लिए सरप्राइज था, पार्टी था। अभी एक दो भाई और भी आने वाला है यहाँ। तो इधर हमारे सोनू भाई, कैसे हैं सोनू भाई? बहुत मस्त। तो सोनू भाई क्या बना रहे हैं? मटन। आपको पता चल गया था हम आने वाले हैं? समीर बताया है। तो बिना बताए सुबह सुबह पूरा प्रोग्राम करके टाइट, एकदम टाइट। आप आएंगे प्रोग्राम नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए दिखाइए फिर मटन कैसा बना रहे हैं। ये बन रहा है मटन, ये बलिया स्टाइल में बन रहा है क्या? जी एकदम हल्का बलिया वाला, बागी बलिया में अभी हम लोग हैं। हल्का मसालेदार बन रहा है, थोड़ा चला के दिखाइए भैया। ये देखिए हल्का मसाला वाला मटन यहाँ तैयार हो रहा है, बागी बलिया वाला। तो अभी पोषण नहाने गया है, नहा के निकलेगा, तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाके थोड़ा सा बैठ के बातें करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर प्रोग्राम चालू होगा खाने। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का मटन बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। ये बागी बलिया का मटन हम लोग खाने वाले हैं आज सोनू भाई के हाथ से। और यहाँ पर ये लहसुन भी डाला गया, खड़ा लहसुन, ये बहुत टेस्टी लगता है मटन अगर बना रहे हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है, इसको डालना जरूरी है। तो चलिए अभी यहाँ पे चावल को चढ़ा दिया गया, चावल ही बन रहा है हम लोगों का। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं, हम लोग गए थे लिट्टी खरीदने के लिए, ये है लिट्टी हम लोगों का लिट्टी। यहाँ पे मटन सोनू भाई निकाल रहे हैं और चावल, यही आज हम लोगों का दोपहर का है खाना। और ये है समीर की तरफ से पार्टी और सोनू भाई की तरफ से पार्टी। सोनू भाई ने बनाया है मन से एकदम, खा के बताएंगे कैसा टेस्ट है आप लोगों को। तो अपना यहाँ पे लग चुका है मटन और लिट्टी, तो चलिए थैंक यू भाई, ये सब प्यार है दोस्तों का। दोस्तों एकदम जबरदस्त बना है और मटन पूरा गल चुका है यहाँ पे, ये देखिए। तो मटन और बाटी का जो स्वाद है ना, वो एक अलग लेवल का आता है। और वो भी हम लोग कहाँ पे खा रहे हैं पता है ना, बागी बलिया बैठ के, ठीक है? और मटन पूरा गल चुका है। तो दोस्तों मटन बहुत ही मस्त बना है, एकदम गल गया है मटन, और बाटी के साथ तो खाने में और मजा आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का खाना पीना हो चुका है और अपना गाड़ी देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। पोषण थोड़ा सा वहाँ रेस्ट कर रहा है क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग थोड़ा देर बाद निकलेंगे, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। और इसका ना पुराना कार बेचने का मतलब बिजनेस है, ठीक है? तो अगर किसी को ऐसे पुराना गाड़ी चाहिए, कौन कौन सा गाड़ी बेचते हो भाई? हर एक गाड़ी हमारे पास, हर एक तरह की गाड़ियाँ मिलेंगी। अच्छा, जैसे कि कार में भी मिलेंगी, अभी 3 गाड़ी प्रेजेंट में है ना? 3 गाड़ी प्रेजेंट में है और एक ग्रैंड आइटन है, वो भी अभी हमारे गैरेज में खड़ी है। और अच्छा अच्छी है पिकअप, अभी बर्बाद करोगे क्या हमको? तो ये भाई की पिकअप ही बिक जाएगी। नहीं भाई पिकअप नहीं, पिकअप को छोड़ के हर एक गाड़ी। सही कौन जो अपने दोस्त का सामान ना बेच सके। तो पहले आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखा देते हैं, ये तुम्हारा ही नंबर है ना भाई? मेरा ही नंबर है। तो ये हमारे मित्र का नंबर है समीर मौर्या, ठीक है? इसी नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए। देखिए क्या होता है ना कि अभी हर किसी का मतलब हर किसी के पास इतना पैसे नहीं है कि नया गाड़ी वो निकाले किस्त पे। तो बहुत लोगों का सपना होता है कि अपने पास 4-व्हीलर हो घर पे, तो भाई साहब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसके पास 4-व्हीलर गाड़ी डील करता है। बाकी अभी प्रेजेंट में इसके पास 3 गाड़ी, इसका क्या डिटेल्स है कुछ बताओगे? ये है 12 मॉडल पेट्रोल सीएनजी में। अच्छा, प्राइस नहीं बताना है, प्राइस फोन करके बता देना। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। अच्छा, ठीक है। और ये भी है 12 मॉडल में, i20 है, पेट्रोल प्लस सीएनजी में है ये। अच्छा, ये पेट्रोल है? हाँ, पेट्रोल प्लस सीएनजी। अच्छा अच्छा, और ये? और ये फुल्ली एंड्रॉइड एलईडी के साथ फिक्स है ये गाड़ी। अच्छा, और ये? और ये है 13 मॉडल ZDI, ZDI डिजायर, ZDI इसको। अच्छा, गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो अभी प्रेजेंट में तुम्हारे पास 3 गाड़ी है ना? प्रेजेंट में 3 गाड़ियां हैं, लेकिन जो भी गाड़ियां चाहिए अवेलेबल हो जाती है। तो अवेलेबल हो जाता है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें, अगर किसी को चाहिए, जरूरत है, तो अभी कॉल करें क्योंकि बंदा बहुत बिजी भी रहता है,
तो ऐसे परेशान ना करें कॉल करके, ठीक है? तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार एड्रेस बता देना भाई। ये एड्रेस है बेल्थरा रोड पड़ता है, बेल्थरा रोड बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, बलिया डिस्ट्रिक्ट है और बेल्थरा रोड जगह है, बेल्थरा रोड से 3 किलोमीटर जगह पे मेन हाईवे पे ही गाँव पड़ता है, उसका नाम है फरसाटार। ठीक है, वहाँ पे मेन एनएच पे ही हमारी शॉप है, ए टू जेड यूज्ड कार बाजार, और आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं आपका मोस्ट। तो खाना खाने के बाद 2 घंटा सो गए थे, अभी बच्चों का शाम का 4:30 और अभी हम लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। दोस्तों एक चीज़ और बता दे, हमको एक बुकिंग मिला हुआ नागालैंड के लिए, उसका ही बात चल रहा है, अगर वो डील हो जाएगा तो वहाँ भी निकल सकते हैं हम लोग, रास्ते से घर ना जाके हम लोग लोडिंग करने भी निकल सकते हैं। अभी बात चल रहा है, अभी प्रोसेसिंग में है, भाड़ा हमने पार्टी को 50,000 बताया है और बाकी देखिए अगर डील तय हो जाएगा तो हम लोग लोडिंग करने भी निकल सकते हैं गाड़ी को ले, और अगर लोडिंग कन्फर्म नहीं होता है तो सीधा हम लोग यहाँ से बनारस निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ से निकलने से पहले भाई लोगों से मुलाकात हो जाए एक बार लास्ट टाइम। चलो भाई, चलो समीर फिर से आएंगे, मुलाकात होगा। ठीक है भाई, चलो भाई। सोनू भाई मटन बहुत अच्छा बनाए थे आज, दोबारा जब आएंगे तो हम बना खिलाएंगे। ठीक है, सभी बात है, कमी रह गया था। कमी क्या चीज़? अरे क्या चीज की कमी थी भाई, हमको कोई कमी नहीं लगा, बस इसको कमी महसूस हो रहा था, तो कमी था। चलो चला जाता, ठीक है, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे तो कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग मिल गए, कैसे भाई? बढ़िया। तो भाई लोग गाड़ी देख के रुक गए मिलने के लिए। क्या नाम है आप लोगों का? विशाल भाई और मनु भाई रुक गए। चलिए ऐसे जाए बना रखिए, ठीक है। दोस्तों क्या है कि हम कभी कहीं पे रुकना पसंद नहीं करते हैं किसी के घर पे, लेकिन यहाँ पे जब भी आते हैं तो इसके यहाँ थोड़ा देर रुक जाते हैं क्योंकि इसका घर अंदर है और ऑफिस बाहर है, रोड पे है, तो हमको आसानी होता है। और यहाँ पे सब व्यवस्था बना के रखा है, कोई भी इसका दोस्त यार आ जाए उसके अलग से व्यवस्था बना के रखा हुआ है। और ये हमारा तब का दोस्त है जब हमारे पास जैसे कुछ नहीं था, जब हम ऑटो चलाया करते थे। आज तो अपना पिकअप है, मान लीजिए 2 रुपये कमा रहे हैं, पहले क्या है कि इतनी हमारी कमाई नहीं हुआ करता था, उस समय भी बंदा साथ था और आज भी कंटिन्यू बात होता है, आज भी मेरे साथ है। तो कुछ कुछ लोग हैं, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है दोस्तों तो बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन अभी तक इसका रिश्ता हमारा टूटा नहीं है। और जब हम गाड़ी निकाले थे ये भी बंदा बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प किया था पैसों को लेकर। तो इसी वजह से यहाँ पर जब भी आते हैं इसके हम थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी रिश्ता को टाइम नहीं देंगे ना थोड़ा देर के लिए, तब तक वो रिश्ता मजबूत नहीं रहता आगे के लिए। पहुंच चुके हम लोग रसड़ा, गाड़ी को साइड लगा दिए। अभी भाई पीने का मन कर गया मौसम्बी का जूस, ये देख सकते हैं। भैया कैसे गिलास दे रहे हैं? 20 रुपये भाई। ठीक है, 2 गिलास बनाइए। तो ये रहा अपना मौसम्बी का ताजा ताजा जूस। अभी हम लोग गाजीपुर रसड़ा वाले रोड पे चल रहे हैं और ये वाला रोड इतना ज़्यादा गंदा था दोस्तों, क्या ही बताएं। मतलब मंडी हम लोगों का थोड़ा बहुत लेट हो जाता था कभी कदार इस रोड के चक्कर में। और कल रात को जब हम इस रोड से गुजरे हैं, इतना मस्त गाड़ी चल रहा था, बहुत मतलब बहुत आनंद आ रहा था गाड़ी चला के। एक तो इस रोड पे जब भी आप रात को गुजरेंगे ना तो कोई गाड़ी आपको दिखेगा नहीं, और आपको गाड़ी दिखेगा तो दिखेगा सब्जी गाड़ी जो चल रही है वही सब दिखेगा रात में, और बाकी किसी को इमरजेंसी है तो वो जाता है अपना। बाकी बहुत अच्छा लगा, रोड बन गया यहाँ का पूरा। तो फाइनली हम लोग गाजीपुर के अंदर एंटर कर चुके हैं। अच्छा, कौन कौन गाजीपुर से देख रहा है कमेंट करके बताइएगा। अभी क्या है कि ये छोटा रोड है, इसको थोड़ा सा यहाँ कंजेस्टेड है, जाम लगता है, बट थोड़ा देर चलने के बाद फिर से हम लोग अपना वो रिंग रोड पकड़ लेंगे जो वाराणसी टू गोरखपुर जाता है, वो वाला हाईवे पकड़ लेंगे तो एकदम 1 घंटा के अंदर बनारस में हम एंटर कर जाएंगे। मतलब यहाँ से हमको घर जाने में टोटल 2 घंटा लगेगा। तो पोषण गाड़ी चला के पहुँच चुका है डायरेक्ट बनारस, और हम सो गए थे जस्ट अभी उठे हैं तो पोषण जगा रहा है, बोल रहा उठ जाओ बनारस पहुंच चुके हो। इतना जल्दी कितना टाइम हो गया? अभी 8 बज गया क्या? पता नहीं, देखना पड़ेगा, पता से 9 बज रहे। ओ भाई 9:12 हो चुके हैं, हम लोग फाइनली वाराणसी में एंटर कर चुके हैं। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं पोषण के घर के पास, पोषण अभी जा रहा है अपने घर। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय। ठीक है, मॉर्निंग में मिलते हैं। ठीक है भाई, ओके। पोषण को छोड़ने के बाद हम भी गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़े घर के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट घर, कॉलोनी में गाड़ी लगाते हैं, अभी बहुत सारा काम है, वीडियो भी एडिटिंग करना है। मतलब पोषण तो घर जाकर आराम करेगा लेकिन हम जाकर आराम नहीं कर पाएंगे, हमें भी रात को 12 बजे तक काम करना है क्योंकि तभी कल वीडियो आ पाएगा, बहुत सारा काम रहता है दोस्तों वीडियो एडिटिंग को लेकर।